में आप लोग का स्वागत है और आज दोस्तों मैं आप लोगों को Realme XT और Redmi Note 8 Pro के बीच में एक फुल कैमरा कंपैरिजन जो वो देने वाला हूं। फुल कैमरा कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि दिन के सैंपल्स, नाइट सैंपल्स, रियर वीडियो और सेल्फी वीडियो, ये सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, उसी को हम प्रॉपर कैमरा रिव्यू बोलते हैं। जी हाँ, वैसे यहां पर मैं आपको वो सारी चीजें इन दोनों में दिखाने वाला हूं जो पहले शायद से आपको किसी ने नहीं दिखाया था, तो बस दिल थाम के बैठिएगा, बहुत कड़क सैंपल्स आने वाले हैं। और दोस्तों बहुत ही कड़ी टक्कर हुई है और जो कुछ मैंने फील किया हो ऑब्वियसली वो आप भी फील करेंगे, एकदम फेयर कंपैरिजन है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखते रहना। अब यहां पर दोस्तों एक और ट्विस्ट है कहानी के अंदर कि मैंने दोनों फोन के जो कैमरा सैंपल्स है वो अपने पीसी में डाल दिया। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि आप और डिटेल में देख सकेंगे, मैं जब जूम करूंगा तो आपको और डिटेल में दिखाई देगा कि दोनों में से आपको कौन से फोन का कैमरा बेटर मिलता है। अभी दोस्तों शुरू करते हैं, उससे पहले अगर मैं स्पेक्स की बात करता हूं ना तो भाई एकदम सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी मिलता है, f1.8 का अपर्चर है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, फुल HD में आपको EIS मिलता है दोनों में, नाइट मोड मिलता है वगैरह वगैरह। आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शॉट दोनों में मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो जो क्वाड कैमरा का जो सेटअप है रियर का वो दोनों में एकदम सेम है। सेल्फी की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है। Redmi Note 8 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, f2.0 का अपर्चर, पोर्ट्रेट ब्यूटी यहां पर मिलता है, वीडियो में आपको EIS भी देखने को मिलता है। Realme XT में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, मेगापिक्सल कम है लेकिन सेंसर बेटर मिलता है, Sony IMX471 वाला है, यहां पर भी वीडियो में आपको EIS मिलता है। बहुत बातें होगी दोस्तों, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। सबसे पहला सैंपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इंडोर शॉट है, मैंने नाइट के वक्त लिया था, आपके आंखों के सामने ये सेल्फी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त दोनों में निकल कर आई है। और दूसरी चीज अगर आप नोटिस करते हो तो एज डिटेक्शन है वो भी आपको दोनों में काफी कमाल का मिलता है और जो बैकग्राउंड बुके है वो भी यहां पर काफी बढ़िया मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, देखिए यही फायदा है पीसी में अपने सैंपल्स को डालने का, तो आप देख सकते हैं Realme XT थोड़ा सा आपको ज्यादा बेटर मिलता है कलर्स में और डिटेलिंग में, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको इतना यहां पर मजा नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं सेल्फी की, हाउएवर मेगापिक्सल्स यहां पर ज्यादा है, फिर भी Realme XT यहां पर बेटर है क्योंकि कैमरा के सेंसर वहां पर आपको बेटर मिलता है जो आप यहां पर अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये देखेंगे दोस्तों ये भी इंडोर शॉट है, रैंडम शॉट है, नाइट के अंदर मैंने जो लिया था आप देख सकते हैं ये विदाउट 64 मेगापिक्सल वाला, तो क्वालिटी आपकी आंखों के सामने है। Realme XT दोस्तों थोड़ा सा वाइट कर देता है किसी किसी जगहों पर, Redmi Note 8 Pro ने उस नेचुरल टोन को मेंटेन किया, हालांकि जो एनवायरमेंट था ना वो होटल की जो लाइट होती है ना वो येलो होती है, तो उस चीज को Redmi Note 8 Pro ने यहां पर दिखाया है, ऑब्वियसली Realme XT ना थोड़ा सा उसको वाइट कर दिया जो आपकी आंखों के सामने है। ये वाला देखेंगे दोस्तों यहां पर भी इंडोर शॉट मैंने लिया हूं रैंडमली और ये 64 मेगापिक्सल वाला शॉट है, जब मैं यहां पर जूम करता हूं आप देख सकते हैं तो आपकी आंखों के सामने आपको जो वो क्लैरिटी देखने को मिलती है, दोनों में ही एकदम जबरदस्त जो वो क्लैरिटी निकल कर आई है, डिटेल आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है, कुछ ब्लर कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे नेचुरल जो टोन है वो Redmi Note 8 Pro ने मेंटेन किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था जो लाइट थी वहां पर आप देख सकते येलो येलो थी, जबकि Realme XT आपको कुछ वैसा यहां पर देखने को मिल रहा है। ये भी देखेंगे दोस्तों ये भी 64 मेगापिक्सल का इंडोर शॉट है, आप देखेंगे मैंने जब जूम किया तो यहां पर आप देखेंगे Redmi Note 8 Pro का जो फेस है कितना अच्छा निकल कर आया, जबकि Realme XT में अगर हम जूम करते हैं तो यहां पर भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे आपको डिस्टॉर्शन यहां पर जो दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी मिलती है Redmi Note 8 Pro के इंडोर शॉट्स में जो आपको Realme XT में यहां पर वैसे थोड़ा देखने को नहीं मिल रही है। ये देखेंगे दोस्तों ये इंडोर मैक्रो शॉट्स जो मैंने लिया था, यहां पर दोनों में ही आपको वैसे काफी बढ़िया डिटेलिंग मिलती है। Redmi Note 8 Pro में अगर आप ऊपर गौर करते हैं तो रोम वाईफाई आपको क्लियर मिलता है, Realme XT में वो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, हालांकि USB केबल पर फोकस करते हो तो Redmi Note 8 Pro में इतना अच्छा नहीं आया, जबकि Realme XT में थोड़ा सा डिटेल बेटर मिली है। यहां पर देखेंगे दोस्तों ये भी एक मैक्रो शॉट रैंडमली लिया था, तो यहां पर भी आपको वैसे कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों में आपको अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। ये देखेंगे दोस्तों ये वाइड एंगल शॉट्स है, यहां पर भी वैसे मुझे कोई खास फर्क नहीं आया, बस थोड़े बहुत कलर्स के यहां पर फर्क है, उसके अलावा तो डिटेलिंग और क्वालिटी आपको दोनों में वैसे बेटर देखने को मिल जाती है। फिर से घूम फिर के हम आ जाते हैं इंडोर सेल्फी शॉट पर, आप देख सकते हैं यहां पर दोनों में वैसे क्वालिटी अच्छी है, एज डिटेक्शन, बुके वगैरह सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा जब मैं जूम करता हूं तो आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग आपको यहां पर Realme XT में मिलती है वो थोड़ी सी बेटर है अगर आप उसको Redmi Note 8 Pro से कंपेयर करते हो। सेल्फी के मामले में दोस्तों मुझे Realme XT थोड़ा सा बेटर लगा है जो आप अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। यहां पर देखेंगे दोस्तों मैंने जैसे कि कहा था कि Realme XT पिक्चर को ज्यादा वाइट कर देता है, Redmi Note 8 Pro में आपको वो नेचुरल टोन देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको मिलती है, वैसे डिटेलिंग तो आपको यहां पर देखेंगे दोनों में ही काफी बेटर देखने को मिलती है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों मुद्दे पर, यहां पर दोनों के नाइट सैंपल्स आपको दिखाने वाला, तो दिल थाम के बैठिएगा, मजा आने वाला है। ये देखेंगे पहला शॉट है आपकी आंखों के सामने जहां पर आप देख सकते हैं क्वालिटी दोनों में ही आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन Realme XT में अगर आप फोकस करते हैं तो आप देखेंगे आपको जो सैचुरेशन काफी ज्यादा मिलता है, उसने उस चीज को काफी ज्यादा कलर दिखा दिया है, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको वैसा नहीं दिखता, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद था तो मुझे पता
बता दें कि वो किस कलर का है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको थोड़ी सी पहले पिक्चर में फर्क देखने को मिलता है। अब ये वाला देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर दोनों में ही आपको क्वालिटी वैसे काफी बढ़िया मिलती है। यहां पर कलर्स अभी आप देखेंगे दोनों में ही आपको वैसे काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब ये वाला शॉट देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर भी आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि देखेंगे Realme XT में कलर्स आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन एक यहां पर ट्विस्ट है। जब मैंने ये शॉट लिया था तो Realme XT में मैंने नाइटस्केप ऑन नहीं किया था, जी हां, Redmi Note 8 Pro में तो ऑन था, लेकिन ये देखेंगे तो नाइटस्केप ऑन किया था मैंने Realme XT का, तो आप देखेंगे और भी ज्यादा उसने कलर्स और लाइट को ऐड कर दिया है, जो कुछ इतना आर्टिफिशियल से आपको देखने को मिलता है। तो हां, तो Realme का XT का जब नाइटस्केप लगा देते ना, तो भाई एकदम ज्यादा ही चार चांद लग जाते हैं। बाकी उसके पहले जितने भी शॉट दिखा था वो सब नाइटस्केप वाले ही थे। ये देखेंगे दोस्तों, ये सेल्फी है दोनों का, नाइट सेल्फी है, आप देख सकते हैं। तो आप अपने आंखों के सामने क्लियरली देख सकते हैं कि Realme XT की सेल्फी अब आपको पता चल गई होगी कि थोड़ी सी बेटर निकल कर आती है अगर आप उसको Redmi Note 8 Pro से कंपेयर करते हैं। बुके, डिटेल तो सब कुछ अच्छा है दोनों में, लेकिन नहीं, Realme XT में कहीं ना कहीं आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखेंगे ये वाला, आप यहां पर आप श्योर हो गए कि Realme XT की सेल्फी आपको थोड़ी सी बेटर मिलती है अगर आप उसको Redmi Note 8 Pro से कंपेयर करते हो। तो आप जो लोग कमेंट करते हैं पहले से ही, तो आप पूरा वीडियो देख के ही कमेंट करना, तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, रैंडमली एक और नाइट रियर सैंपल आ गया, आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों, Realme XT मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, Redmi Note 8 Pro इतना बेटर नहीं लगा, लेकिन जब मैंने जूम किया आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखेंगे थोड़ा सा जो Realme XT है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको वैसा नहीं दिख रहा। तो डिटेलिंग आप देखेंगे Redmi Note 8 Pro में नाइट में कहीं कहीं उसने काफी अच्छे से मेंटेन किया है। यहां पर ये भी नाइट शॉट है दोस्तों, एक फ्लावर मुझे दिख गया तो मैं जाके सोचा इसका क्लिक कर लेता हूं। तो यहां पर भी देखेंगे Realme XT ज्यादा सैचुरेटेड लगता है, Redmi Note 8 Pro आपको वैसा नहीं लगता, हालांकि डिटेलिंग और बाकी सब कुछ तो आपको सेम मिलता है। नाइट पोर्ट्रेट की बात करते हैं, ये देखेंगे ये मैंने नाइट पोर्ट्रेट लिया था, दोनों ही दोस्तों वैसे काफी कमाल के निकल कर आए, बहुत ही मजा आ गया। थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखेंगे Realme XT है और ये देखेंगे Redmi Note 8 Pro। हालांकि Realme XT कभी कभी आपके फेस को थोड़ा सा ब्यूटी मोड में डाल देता है, पता नहीं, और Redmi Note 8 Pro आप देखेंगे एकदम से डिटेल में दिखा रहा है आपके पोर्स, मेरे जो फेस पे सब कुछ वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब क्वालिटी देखेंगे दोस्तों, दोनों में काफी अच्छी, यहां पर एक्चुअली मैं क्लियरली जज नहीं कर सकता हूं, लेकिन नाइट की जो पोर्ट्रेट निकल कर आना वो आपको दोनों में वैसे काफी बढ़िया मिलते हैं। अब यहां पर दोस्तों, सुबह सुबह मैं उठा और अचानक से मैंने सोचा चलो एक और सेल्फी ले लेते, तो आप देख सकते हैं यहां पर, इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं आप देखेंगे यहां पर, तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं मुझे देख के ऐसे ही लग रहा था कि Realme XT की सेल्फी थोड़ी सी बेटर निकल कर आती है अगर आप उसको Redmi Note 8 Pro से कंपेयर करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये शॉट देखेंगे, ये कैन है जो कुछ इस तरीके का। अब यहां पर ना दोस्तों, क्लियरली कहूं तो मुझे कोई खास क्लियर विनर दिखा नहीं, दोनों में एकदम सेम टू सेम शॉट जो वो निकल कर आए थे। ये देखेंगे तो सुबह-सुबह मैंने बाहर होटल के अंदर एक शोपीस मिल गया, उसका मैंने शॉट लिया, आप देख सकते हैं Realme XT यहां पर थोड़ा सा आपको ब्राइट दिख रहा है, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको वैसा नहीं दिख रहा है। हालांकि क्वालिटी आपको यहां पर दोनों में काफी बढ़िया देखने को मिलती है। ये भी कुछ इंडोर रैंडम शॉट है, आप देख सकते हैं, इसमें भी देखेंगे Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा आपको नेचुरल टोन मेंटेन दिख रहा है, Realme XT व्हाइट हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का है। ये आउटसाइड डे पोर्ट्रेट शॉट है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। अब यहां पर बुके देखेंगे तो गौर से तो आपको Realme XT थोड़ा सा बेटर दिखता है, बैकग्राउंड को अच्छे से बुके किया है, Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा कम है। अब वो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी यहां पर भी देखने को मिलती है। ये दोस्तों 64 मेगापिक्सल वाला शॉट है, अब मजा आएगा, थोड़ा एक दो शॉट में आपको ये दिखाने वाला जूम करके। तो यहां पर अगर मैं जूम करता हूं आप देख सकते हैं इधर, और इस वाले को भी मैं अगर जूम करता हूं, कोई खास फर्क नहीं, आप देख सकते हैं कुछ खास फर्क नहीं, बस कलर्स का फर्क है, बाकी तो क्वालिटी देखेंगे, डिटेलिंग जो 64 मेगापिक्सल की है वो दोनों में एकदम जबरदस्त निकल कर आई है। यहां पर दोस्तों ये पोर्ट्रेट शॉट है, आप देख सकते हैं, तो यहां पर भी क्वालिटी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है, कहीं कहीं कलर्स का फर्क है, बाकी तो आपको एकदम जबरदस्त देखने को मिलती है। ये भी दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट है, लेकिन यहां पर अगर पीछे नंबर प्लेट पर गौर करते हैं तो Redmi Note 8 Pro में आपको बुके से पता चलता है कि इतना अच्छा यहां पर नहीं आया, जबकि Realme XT में थोड़ा सा बेटर उसने बुके दिया बैकग्राउंड में, जो कुछ इस तरीके का है। अब दोस्तों मजा आने वाला है, ये मैंने जानबूझ के शॉट लिया था क्योंकि दूर एक गाड़ी खड़ी और 64 मेगापिक्सल से लिया। अब दोस्तों जूम करके देखते हैं कि गाड़ी के ऊपर जो नंबर प्लेट है वो कौन अच्छे से दिखा पाता है। तो सबसे पहले Realme XT में कर लेते हैं और ये देखेंगे, अब थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है क्योंकि ज्यादा हाई क्वालिटी की पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं M0475, आप देख सकते हैं Realme XT में आपको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब जूम करते हैं यहां पर किसके अंदर, हम Redmi Note 8 Pro के, आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा इश्यू आ गया, आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने दोनों ही 64 मेगापिक्सल वाले शॉट है, लेकिन इसमें अगर आप गौर करते हैं तो Realme XT जूम करने के बाद अच्छी डिटेल निकाला है, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको वैसा नहीं दिख रहा है। अब ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हां कुछ इस तरीके का आपके आंखों के सामने है। अब ये आउटसाइड सेल्फी मैंने दिल करा तो ले लिया, ये पोर्ट्रेट शॉट है आपके आंखों के सामने, यहां पर भी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी दोनों में निकल कर आई है, ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है। बस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको Realme XT बेटर लगता है बाकी आपके आंखों के सामने। ये भी देखेंगे दोस्तों, ये भी धूप के सामने, सनलाइट के सामने मैंने दिन के अंदर सेल्फी लिया था, आप देख सकते हैं, तो यहां पर भी आपको क्वालिटी दोनों में वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलती है। ये शॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये डे पोर्ट्रेट शॉट निकल कर आया रियर कैमरे से, आप देख सकते हैं यार मजा आ गया, ये शॉट में एक्चुअली बहुत मजा आ गया। और ये देखेंगे कुछ इस तरह की आपको क्वालिटी मिलती है। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आप देखेंगे यहां पर, अरे वाह,
क्या बात है। तो दोनों में वैसे काफी बढ़िया आपको देखने को मिलता है, और हालांकि एज डिटेक्शन में थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड में देखेंगे मेरे सर की तरफ, बाल की तरफ दोनों ने इतना खास नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रियलमी एक्सटी बेटर लगा है। आप मुझे बताइए वैसे इसमें से आपको कौन सा बेटर लगा, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे रियलमी एक्सटी थोड़ा सा बेटर लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों, बस अलग ही तरीके का कलर वहां पर निकल कर आया तो कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते कुछ वीडियो सैंपल्स की, ये दोस्तों इंडोर वीडियो सैंपल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं दोनों को एक टाइम पर फटाफट प्ले कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर Redmi Note 8 Pro आप देखेंगे थोड़ा सा वाइड है, मेरे कंधे वगैरह जो वो प्रॉपर दिखाई दे रहे, रियलमी XT में आप देखेंगे थोड़ा सा जूम्ड इन है। तो ये नाइट के दोस्तों इंडोर वीडियो सैंपल्स है, EIS दोनों में मिलता है, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी है। आप देख सकते हैं उसने जो मेंटेन किया कलर उसको कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो क्वालिटी आपको वैसे कुछ इस तरीके की मिलती है। रियर वीडियो दिखाने से पहले एक और चीज आपको बता देता हूँ कि Redmi Note 8 Pro के अंदर मुझे एक इशू दिखाई दिया था उसके रियर वीडियो के अंदर ऑटो फोकस में। जी हाँ, ऑटो फोकस जो वो Redmi Note 8 Pro में इतना खास नहीं था, जबकि रियलमी XT में बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं मैं पहले Redmi Note 8 Pro का आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूं। यहां पर देखेंगे मेरा फोकस जो वो कैन पर ही था, लेकिन जब मैं ऊपर जाता हूं तो वो पीछे इतना फास्ट फोकस नहीं कर पाता है। आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, आप देखेंगे पीछे अभी भी थोड़ा सा लफड़ा है, यहां पर अभी भी थोड़ा सा लफड़ा है, जबकि यही सेम शॉट अगर आप रियलमी XT में देखते हो तो आप देख सकते हैं पीछे फोकस उसने बराबर किया, फिर कैन पे फोकस किया, आप देख सकते हैं फिर ऊपर जाता हूं तो उसने फोकस किया, फिर देखेंगे नीचे आता तो कैन पे फोकस किया, तो वो थोड़ा सा फास्ट था, जबकि Redmi Note 8 Pro में यहां पर मुझे ऑटो फोकस में थोड़ा सा इशू आया था। अब यहां पर दोस्तों डे वीडियो सैंपल में आपको दोनों के दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी मिलती है। दोनों के अंदर जो EIS मिलता है यहां पर वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, उस मामले में आपको यहां पर कोई इशू नहीं आएगा। हालांकि यहां पर Realme XT मुझे थोड़ा सा ब्राइट दिखा, जबकि Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा डल था, बाकी डायनामिक रेंज आपको दोनों में ही ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं स्काई देखेंगे दोनों में एकदम प्रॉपर निकल कर आया था, तो इसके अंदर भी दोस्तों जो डे के जो वीडियो सैंपल्स निकल कर आया रियर के उसमें भी आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। ये भी देखेंगे दोस्तों एक और आपको रैंडम शॉट दिखा देता हूं, तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि Realme XT थोड़ा सा ब्राइट है, आप देख सकते हैं, जबकि Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा डल हो जाता है तो आपके आंखों के सामने। तो यहां पर भी दोस्तों जो दिन की जो रियर वीडियो सैंपल निकल कर आते हैं तो भी आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। अब फाइनली दोस्तों मैं सेल्फी वीडियो सैंपल भी आपको बता रहा था, दिन के जो मैंने निकाला था आप देख सकते हैं, तो इसमें दोस्तों आप गौर कर सकते हैं मेरा जो कंधा जो ब्रॉड था वो Redmi Note 8 Pro है और Realme XT थोड़ा सा जूम्ड इन है। दोनों में देखेंगे EIS आपको बेटर मिलता है, दोनों का डायनामिक रेंज इतना खास नहीं है सेल्फी वीडियो की अगर मैं बात करता हूं, और अगर मैं थोड़ा सा यहां पर भागता हूं थोड़ा आप देखेंगे इस तरीके से तो जो स्टेबलाइजेशन है ना वो थोड़ी सी मुझे Realme XT में बेटर लगी। आप देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro ज्यादा ही कुछ शेक हो रहा था, तो ये कुछ इस तरीके का है। बाकी तो दोनों के अंदर सेल्फी में डिटेलिंग अच्छी है, बाकी तो उस मामले में आपको यहां पर कोई इश्यू नहीं होगा। ये बंद करते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन की, तो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं दोस्तों कि Redmi Note 8 Pro कहीं कहीं जगहों पर उसने बहुत ही अच्छे नेचुरल टोन मेंटेन किया है, Realme XT कलर्स ज्यादा अंदर घुसा देता है। कभी कभी देखेंगे दोस्तों तो डिटेलिंग जो जूम करते 64 की वो Redmi Note 8 Pro में इतनी खास नहीं थी, Realme XT में आपको बेटर देखने को मिल रही थी। सेल्फी दोस्तों मुझे Realme XT की बेटर लगी थी, EIS सेल्फी का मुझे Realme XT का बेटर लगा था। रियर के अंदर Realme XT का जो वीडियो था वो लाइट उसमें ज्यादा थी, जबकि Redmi Note 8 Pro में इतना नहीं था। नाइट में कहीं कहीं मुझे Redmi Note 8 Pro बेटर लगा था, तो Realme XT मुझे इतना बेटर नहीं लगा था। तो कहीं ये अच्छा है तो कहीं ये अच्छा है, कोई खास बड़ा मेजर फर्क आपको दोनों के कैमरे में देखने को नहीं मिलता है। तो जो भी फोन लॉन्च होते हैं प्राइस के हिसाब से आपको जो ठीक लगता है वो जाके ले सकते हैं, बाकी तो आएगा तो हम डिटेल कंपैरिजन करके तो आपको बताई देंगे। तो ये दोस्तों प्रॉपर आपको मैंने फुल कैमरे सैंपल्स दिखा दिया, दिन रात के वीडियो वगैरह सब कुछ मिला के, कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो आप जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी मैं जानता हूं, लेकिन ये चीज जानना हमें बहुत ही जरूरी था। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप smiling।